गाइस हमारी जयमाला हो गई है। इससे पिछले व्लॉग में आपने देखा मेरी विदाई, अब मैं जा रही हूँ संदीप जी के घर। वहाँ पहुँचने से पहले तक मेरी बॉडी की जो बैटरी है वो शायद पूरी 0% हो चुकी थी और मैं इतना थक गई थी, आप मेरी आंखों में देख सकते हो। बस मन कर रहा था एक बार पावर नैप ले लूँ 1 घंटे की। वहाँ पे मेरा वेलकम हुआ, वेलकम में चावल परखे मेरी चाची जी ने और मम्मी जी ने, और देखो ऐसे पानी भी परखते हैं। गाइस ऐसा होता है हमारे यहाँ की शादी में, क्या आपके यहाँ पे भी ऐसे होता है? अब हो गया है मेरा वेलकम भट्ट परिवार में। तो अभी मैं जा रही हूँ सीढ़ियों से अंदर, और अंदर आने से पहले भी कुछ पूजा हुई क्योंकि नई वधु घर में प्रवेश कर रही है। तो धूपबत्ती से पूजा होती है, टीका लगाते हैं, उसके बाद आप देख सकते हो पंडित जी ऐसे पूजा की थाली लेकर आए हैं, और उसके बाद मुझसे जो जो कह रहे हैं मैं वो करे जा रही हूँ। तो अभी पंडित जी कहेंगे कि धूपबत्ती जलाओ, उसके बाद अपने हैंड्स में ऐसे निशान लगाने होते हैं। तो पहले मैं मूवीज़ में देखती थी बचपन में, मैं सोचती थी ऐसे ही होता होगा, रियल नहीं होता होगा, पर ये मैंने सच में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया लाइफ में, और मैं इसको फुली फील तो नहीं कर पाई, बट हाँ ये एज अ मेमोरी मेरे पास वीडियोज़ हैं जिनको मैं कभी भी आके यूट्यूब पर देख सकती हूँ। दुल्हन की एंट्री के टाइम पे यहाँ पे ऐसा होता है कि जो ननद होती हैं वो एंट्री कराने से पहले कुछ मिठाई और दही खिलाती हैं, तभी एंट्री हो पाती है। तो संदीप जी की तो कोई बहन है नहीं, उनकी बुआ जी ने रसम निभाई। पूजा के बाद सभी ने मुझसे कहा कि प्लीज एक गाना सुना दो, तो मैंने भजन गाए। चाची जी तो खुशी से डांस करने लग गई थी। तो दोस्तों अब है संगीत टाइम, जहाँ पे मेरा संगीत है, और ये लास्ट फंक्शन है मेरी शादी का, और मैं आ गई हूँ मेकअप करवाने के लिए। 2 घंटे की पावर नैप ली थी बट स्टिल मेरी आईज बहुत ज्यादा स्वेलिंग कर रही है। अरे यार थोड़ी देर बाद तो डांस भी है, डांस परफॉर्मेंस करना है मैंने भी, सब लोग मुझे देखेंगे क्योंकि मैं तो नई नई दुल्हन हूँ, और मेरा संदीप जी के साथ भी डांस परफॉर्मेंस है जो हमने साथ में कभी सीखा ही नहीं। अब आप सोचोगे कि कैसे करेगी, तो गाइज उन्होंने अलग से डांस टीचर से डांस सीखा और मैंने अपने घर पर उन्हीं के स्टेप्स वीडियोज में देख के डांस कॉपी करके सीखा है। तो देखते हैं, अभी हमने साथ में रिहर्सल भी नहीं की है। थैंक यू सो मच। वेलकम जी। तो अब मैं संदीप से मिलवाती हूँ और वो बताएंगे कि कैसे लग रही हूँ मैं, ठीक है? आज तो वैसे ही लेट हो गई, सो गई थी ना दिन में, इसलिए सब कॉल कर रहे हैं। तो मैं अभी रेडी होके आ गई हूँ, पूरा मेकअप मैंने अच्छे से कर लिया है और ड्रेसअप थोड़ा सा बच गया है। मैंने कहा मैं अभी ज्वेलरी तो लाई नहीं हो, तो मैं अब घर पे पहन लूंगी और घर पे कर लूंगी, तो मैं जोड़ा पिन भी ले आई हूँ टक करने के लिए। संदीप अभी रेडी नहीं हो रखे है। मेरा यही वाला लुक है, यही वाला लुक है, एक अच्छा वाला। अब मैं वो था ना, शादी हो गई थी, अब शादी शुदा आदमी तैयार हो गया, तो शादी हो गई है, शादी को 1.5 साल थोड़े हो गए हैं। अब किसको दिखाने के लिए रेडी है? मुझे दिखाने के लिए। तो तुमने तो अब तुमसे तो शादी हो ही गई है, तो अच्छा ये तो मुझे कुछ साल तो दिखाओ कम से कम अपने आप को, हैंडसम सा, गुड लुकिंग सा। अब वो इंस्टाग्राम पे ही दिखूंगा मैं, बढ़िया सा। क्यों अपनी वाइफ को नहीं दिखोगे? ऐसे अच्छा नहीं लग रहा हूँ क्या? लग रहे हो, मुझे तो तुम हर एक वे में क्यूट लगते हो, मगर आज संगीत है ना, आज तो बनना पड़ेगा कुछ। महिला संगीत है, प्यारो प्यारो। तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तुम तो सीधे कपड़े पहन लो और बस, बाल सेट करने और रेडी में। बाल ही सेट करने बस। फिर चलो तुम आराम से, जब तक तुम आओगे नहीं ना तब तक मैं डांस नहीं करूंगी, ठीक ठीक है? ठीक।
तो दोस्तों लेडीज संगीत स्टार्ट हो गया है और ये संगीत संदीप जी के घर का है। अभी सब लोग डांस कर रहे हैं, मैं भी आ गई हूँ और अब सब लोगों ने वेट किया था मेरा बहुत ज़्यादा। सॉरी अगर आप सब मेरी वीडियोस देख रहे हो आप में से कोई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी थी रात भर, मुझे 2 घंटा सोना ज़रूरी था और मैं लेट तैयार होने गई थी तो लेट आई। बट जब मैं आई तो चलो सब लोगों ने मेरा वेट भी किया और वेलकम भी बहुत अच्छे से किया। मेरी सासू माँ जी ने मुझे टीका लगाया और सब लोग मुझसे मिलने आए, सब लोगों ने मुझे देखा, मेरे साथ फ़ोटोशूट किया। अभी फ़ोटोशूट के बाद मेरा डांस ही है और सब लोगों के साथ फ़ोटोशूट करवाने के बाद मैं संदीप जी के साथ भी कुछ फ़ोटोशूट्स करवा रही हूँ। साथ में संदीप जी की चाची खड़ी हैं। लो अब मेरा डांस स्टार्ट हो गया है। फुल डांस वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूंगी गाइस, अगर मैं इसमें सॉन्ग ऐड कर दूंगी ना तो कॉपीराइट आ जाएगा। बहुत जल्द इसी चैनल में मैं अपने दोनों लोहागढ़ वाले संगीत और हल्द्वानी वाले संगीत का वीडियो डालूंगी और साथ में आप इंस्टाग्राम में भी चेक कर सकते हो। इंस्टाग्राम में मैंने सारी की सारी डांस वीडियोज अपलोड की हुई है तो वहाँ पे आप सारी डांस वीडियोज देख सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है इन केस अगर आपको नहीं मिले तो। अभी मेरी बहन का डांस हो रहा है, इसने डांस किया था बन्नोरी बन्नो मेरी चली ससुराल को और मेरे जी जय जी वाले सॉन्ग में। तो फाइनली अब कैमरामैन जी की जाने का भी टाइम हो गया है संदीप और मेरी फोटोशूट के बाद। देखो टीटू कैसे स्टेज पे आके लेट गया, कह रहा यार दादा मैं थक गया हूँ यार मेरे को भी डांस करवा। अभी संदीप और मेरा डांस हो रहा है, देखो इन्होंने सीखा था और मैंने और इन्होंने अलग अलग से किया। मैंने आपको बताया ना कि इन्होंने अलग से सीखा और मैंने अपने घर पे इनकी वीडियो देख के सीखा है। और ये हर्षू है, इनको संदीप जी ने डांस सिखाया, देखो इन्होंने कितना मस्त डांस किया है, पूरा समा बांध दिया, रौनक ले आए। ये हमारे मामा जी हैं, इनका नाम है मनोज ओली और ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट एंड स्वीट से हैं तो ये मेरे लिए बुके लेकर आए हैं। ये संदीप जी की बुआ जी हैं तो ये मेरे लिए लाई हैं पायल और ये मेरे को टीका लगाएंगी, उसके बाद इन्होंने मुझे पायल पहनाई। तो गाइस आपने देखा मेरी संगीत में क्या हुआ, हम लोगों ने डांस किया संदीप ने और मैंने। सॉरी मैं व्लॉग नहीं बना पाई ज्यादा बट हाँ कुछ पार्ट्स आपने देख ही लिए होंगे। खाना भी खाना है, अभी हम लोगों ने खाना नहीं खा रखा है, चलो तो चलते हैं। आप लोगों ने एक चीज नोटिस ही नहीं की और खासतौर पर संदीप ने तो बिल्कुल भी नहीं की, ये कमरा खराब हो रहा है नहीं क्या, नोटिस ही नहीं करता है। साड़ी हाँ क्या था ये क्या था, जल्दी के मेरा हाथ जूठे हैं, मेरे को मिर्ची। ओ जूठे हाथ मत लगाना, मैं अभी रोटी खाऊंगी। आप क्या खाओगे? मैं कुछ नहीं। कुछ भी नहीं खाओगे? नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप कुछ नहीं खाओगे? नहीं खा रही, मन नहीं है। क्यों मन क्यों नहीं है? थक गई तो मैं खिलाऊंगी आपको, चलो अभी। नहीं, अब नहीं खाना। क्यों नहीं खाना, मैं बना के तुम लोगों को खिला देती हूं। नहीं आप क्यों नहीं, नाराज हो गए किसी बात से? किसी से नहीं, नहीं किसी ने दिल दुखा दिया? नहीं। तो क्या हुआ? कुछ नहीं, थकान हो गई बहुत ज्यादा। थकान हो गई तो खाना खाओगे तभी तो उतरेगी थकान। नहीं रुकेगी, उतरेगी। नहीं उतरेगी, कैसे उतरेगी? डांस करना देखो, नहीं तो पूरा डीजे हटाई दिया लगभग। क्या सब सुस्त हो गया? 3 दिन से वो कर रहे हैं, थके हुए हैं। तो ये देखो मेरे पास क्या है, 1 रुपए के नोट की गड्डी है मेरे पास। वाह कहाँ से लेकर आया आप ये? मैंने 2007 से संभाल के रख रखा है, एक और गड्डी है मेरे पास। झूठ बोल रहे हो? तो ये अब मिलेगी, देख ले चलते हैं। मनु झूठ बोल रहे हैं ना, ये 2007 से संभाली होगी। 2007 से। तुम बताओ कहाँ से मिली होगी? मामा ने दी। मामा ने? तो पापा ने 2007 से रख रखी हो। ऐसा क्यों क्यों रखी वैसे, इसका काम क्या था जो 1-1 रुपए की गड्डी रखी? लग रही हो सो देखो, और नंबर वाइज पूरा सीरियल है उसके अंदर, देख 700 से स्टार्ट है 800। कहीं तुम लोगों ने ऐसे इसलिए तो नहीं रखी कि किसी के सर में घुमाने के लिए हो जाएगा? 4 साल बाद जब पोते हो जाएंगे मेरे, वो कितने खुश होंगे? होंगे नहीं होंगे? पोते 30 साल बाद पोते भी हो जाएंगे तो?